नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले यहाँ पर UP SSC की लेटेस्ट न्यूज आई है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विधान भवन रक्षक और वन रक्षक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में मिली तमाम अशुद्धियां। तो इस संबंध में दोस्तों क्या खबर, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है। ओके, फिलहाल देख सकते हैं इस संबंध में। देखिए, प्रश्न पत्र बनाने वाले नहीं जानते हैं व्याकरण व भाषा, इस संबंध में देखिए क्या कहा गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से पिछले रविवार को आयोजित विधान भवन रक्षक वन रक्षक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में भी तमाम अशुद्धियां मिली हैं। भाषाविद एवं समीक्षक डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे ने इन अशुद्धियों को उजागर किया है। उनका कहना है कि पेपर को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसे तैयार करने वालों को अंधकार, कर्ता, पुरलिंग आदि लिखने भी नहीं आते हैं। डॉक्टर पांडे जी का कहना है कि प्रश्न पत्र का विषय भी अशुद्ध लिखा गया था। विषय लिखा था हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, जो अशुद्ध शुद्ध हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, ठीक है। ये है दोस्तों शुद्ध। आपको बता दें, ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा और व्याकरणात्मक प्रश्न पत्र को बनाने वाले को षष्ठी तत्पुरुष समास का बोध नहीं है, क्योंकि एवं का अर्थ एवं नहीं बल्कि और भी होता है। प्रश्न 17 से आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न 14 से 17 तक ऐसे प्रश्न किए गए थे जो किसी अपठित गद्यांश के थे, किंतु बिना अपठित गद्यांश को दिए ही सीधे प्रश्न किए गए थे। इससे परीक्षार्थियों को असमंजस, आपको बता दें, असमंजस का सामना करना पड़ा। डॉक्टर पांडे जी का दावा है कि प्रश्न ऋतु का अर्थ है कि सभी में दिए गए सभी विकल्प जो हैं गलत हैं। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? और इस एक वाक्य में ही तीन अशुद्धियां हैं। पहली अशुद्धि, निर्देशक और चिन्ह के मध्य में षष्ठी तत्पुरुष सामासिक चिन्ह लगेगा। दूसरी अशुद्धि की बात करें तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि चिन्ह के स्थान पर चिन्ह होता है, ठीक है। यहाँ पर चिन्ह ऐसे लिखा था जबकि होता यह है। तीसरी अशुद्धि, कौन और साह के बीच में योजक चिन्ह नहीं लगा है दोस्तों, यानी कि हाइफन मार्क्स का भी प्रयोग नहीं किया गया था। इस प्रश्न में निदेशक चिन्ह बताने के लिए कहा गया था, परंतु विकल्प में निदेशक चिन्ह के स्थान पर योजक चिन्ह लगा दिया, क्योंकि निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इस प्रकार इसका भी कोई विकल्प नहीं दिया गया। तो इस प्रकार दोस्तों देख सकते हैं इसकी इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है। ओके, तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेटेड वीडियो मिलते रहें तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। ओके, फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।